ऑस्ट्रेलिया में कोरोना संक्रमितों की अब तक की सबसे बड़ी संख्या आई है, जिसके बाद प्रशासन सतर्क हो गया है। प्रशासन के मुताबिक लोग लापरवाही बरत रहे हैं, जिसके चलते हालात बिगड़ सकते हैं और लॉकडाउन को आगे और बढ़ाना पड़ सकता है। ऑस्ट्रेलिया में बढ़ते कोरोना संक्रमितों की संख्या ने स्वास्थ्य विभाग और सरकार दोनों की चिंता बढ़ा दी है। यहाँ के विक्टोरिया राज्य में एक दिन में अब तक की सबसे बड़ी संख्या में नए संक्रमित पाए गए हैं। विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है और यहाँ सोमवार को एक दिन में 532 नए मामलों का पता चला है, जो अब तक की सबसे बड़ी संख्या है। इसके बाद प्रशासन ने लोगों को चेतावनी दी है कि अगर वो अस्वस्थ होने या कोरोना जैसे लक्षण दिखने के बावजूद काम पर जाते रहेंगे तो 6 हफ्तों के लिए लगाए गए लॉकडाउन को आगे बढ़ाना पड़ सकता है। इसके साथ ही सोमवार को राज्य में 6 लोगों की मौत की भी खबर है, जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया में कोरोना के चलते जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 77 हो गई है। जिन 6 लोगों की मौत हुई है उनमें से 5 लोग ओल्ड एज होम के थे। इस बीच ऑस्ट्रेलिया के डिप्टी चीफ मेडिकल ऑफिसर माइकल किड ने कहा कि कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ने से साफ है कि आने वाले दिनों में मौतों का आंकड़ा बढ़ सकता है। प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने भी चिंता जताई है और कहा कि विक्टोरिया में संक्रमितों की संख्या बढ़ने से साफ है कि अब युवा भी तेजी से संक्रमित हो रहे हैं और उनसे परिवार के बुजुर्गों में कोरोना पहुंच रहा है। सावधानी बढ़ाने के क्रम में ही विक्टोरिया की राजधानी मेलबर्न में पिछले हफ्ते मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया था। आज तक ब्यूरो। कोरोना महामारी की मार दुनिया भर में होने वाले मनोरंजक और रोचक कार्यक्रमों पर भी पड़ा है। अमेरिका में कोरोना वायरस की वजह से कॉमिक कॉन का आयोजन ऑनलाइन किया जा रहा है। Welcome to Comic-Con. कोरोना महामारी की मार दुनिया भर में आयोजित होने वाले समारोह और कार्यक्रम पर पड़ी है और ऐसे कई कार्यक्रमों को रद्द करना पड़ा जहां लोगों का जमावड़ा होता था। कोरोना महामारी के चलते रद्द होने वाला एक ऐसा ही कार्यक्रम है कॉमिकॉन। कॉमिकॉन बहुरंगी और जीवंत कार्यक्रम है जिसमें लोगों का जमावड़ा होता है। कोरोना के चलते इस साल इस जीवंत कार्यक्रम का आयोजन ऑनलाइन किया जाएगा, लेकिन कुछ देशों में लॉकडाउन में ढील से रोमांचक कार्यक्रम आयोजित भी किए जा रहे हैं। इनमें से ही एक कार्यक्रम है हॉट एयर बलून शो, जिसका रंग इजराइल में देखने को मिला, जहां एक ओर कोरोना के चलते इस साल सैन डियागो कॉमिकॉन का उत्सव का आयोजन ऑनलाइन हो रहा है, तो मध्य इजराइल के मुख्य हवाई अड्डे से 4 हॉट एयर बलून को विशेष उड़ान की इजाजत दी गई। हर साल 10,000 से अधिक लोग सैन डियागो के इस रंगारंग उत्सव में शामिल होते हैं। इस उत्सव में हॉलीवुड भी अपने आने वाली फिल्मों पर विशेष शो आयोजित करता है। लेकिन इस साल कॉमिकॉन का आयोजन ऑनलाइन हो रहा है। दूसरी ओर मध्य इजराइल के मुख्य हवाई अड्डे पर 4 विशाल हॉट एयर बलून को उड़ान की इजाजत दी गई। इजराइल के हवाई अड्डा प्राधिकरण ने इस मौके पर अपने हवाई क्षेत्र को बंद कर दिया। सुबह सुबह आयोजित इस इवेंट को देखने के लिए उत्साही लोगों का मजमा लग गया। आज तक ब्यूरो। मैक्सिको में हर साल मनाए जाने वाला एक पारंपरिक एजेक्ट समारोह का आयोजन टेनोचिटलान की स्थापना की 695वीं वर्षगांठ को धूमधाम से मनाया गया है। मैक्सिको में जहां एक ओर कोरोना का कहर लगातार जारी है, इसके बाद भी यहां सरकार ने समारोह स्थल, बार और कैफे को खोल दिया है। साथ ही मैक्सिको में हर साल मनाया जाने वाला एक पारंपरिक एजटेक समारोह का आयोजन भी किया गया। इस समारोह को बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। समारोह में एक सर्कल बनाकर लोगों ने जमकर डांस किया, साथ साथ पारंपरिक पूजा भी की। आदिवासी के पोशाकों में इन लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए ये समारोह मनाया।
वहीं दूसरी ओर मेक्सिको सिटी के कैफे में सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखने और ग्राहकों को प्रोत्साहित करने के लिए विशाल टेडी बेयर का इस्तेमाल किया गया। कैफे कर्मचारी का मानना है कि विशाल खिलौने महामारी के दौरान खुद को सुरक्षित रखने के लिए एक आसान सा तरीका है। आपको बता दें कि मेक्सिको में अब तक 3,90,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं, तो वहीं 43,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। आज तक ब्यूरो।